रुपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, हमें तो याद आता है गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कल्पना करते हुए ये जरूर बताया था कि कल्पना सोरेन को गद्दी पर बिठाया जा सकता है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, तो प्लान ए बी सी सब रेडी है हेमंत सोरेन का क्या? जी बिल्कुल, प्लान रेडी है और दो ट्वीट, क्योंकि बहुत पहले जब यूपीए ने अपना प्लान तैयार करने के लिए अपनी बैठक नहीं बुलाई थी, उसके पहले ही निशिकांत दुबे का जो ट्वीट था उसकी वजह से यहाँ चर्चा शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा जय श्री राम काम हो गया। हाँ। उसके बाद से कल भी उन्होंने जो ट्वीट किया है कि अगस्त पार नहीं हो पाएगा। हाँ। यानी कि निशिकांत दुबे का जो ये दो ट्वीट है, इन दोनों ट्वीट का मतलब अगर समझिए तो एक का मतलब था कि काम हो गया, यानी कि उनको जरूर कहीं ना कहीं से इनपुट या राजनीतिक समझ ये रही होगी कि जो मामला चल रहा है जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास दोनों पक्ष अपनी अपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपेश, आप जो जानकारी दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों को इस ट्वीट के बारे में बता दें, क्योंकि निशिकांत दुबे एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, पहले वो कल्पना सोरेन को गद्दी सौंपी जा सकती है ये ट्वीट करते हैं, और उसके बाद अब देखिए निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है उसमें वो ये कहते नजर आए कि सोरेन अगस्त पार नहीं करेंगे, ये सीधे सीधे लिखा गया है निशिकांत दुबे की तरफ से। ये जो ट्वीट है हम आपको दिखा रहे हैं, सोरेन अगस्त पार नहीं करेंगे, वही हुआ चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल जी को पहुंचा, लेकिन इस पत्र में क्या है ये जानकारी कैसे मिल रही है निशिकांत दुबे को, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सीधे सीधे वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगस्त पार नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अगस्त के बाद नहीं बैठ पाएंगे। और आज ही चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बारे में सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट में विधायकी रद्द करने की सिफारिश संभव है। रुपेश, ये देखिए बिल्कुल ये संभव है, और जो आंकड़े हैं, जो गणित है कि प्लान किस आधार पर तैयार किया गया है, और प्लान ए बी या सी जो तैयार किया गया है उसमें सबसे अहम ये है कि आंकड़ों को लेकर के, चाहे कांग्रेस के जो तीन विधायक हैं जो निलंबित हैं कांग्रेस से कोलकाता में, या फिर ये कहा जा रहा है कि 9 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं या उस तरह की कुछ टूट की संभावना बन सकती है, वैसी स्थिति में भी सरकार को आंकड़ों के तौर पे कोई खतरा नहीं है, लिहाजा अब बाकी प्लान, क्योंकि विधायक इतने कम पड़ जाए कि सरकार ही गिर जाए या सरकार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलनी है तो इसमें कोई यूपीए से इतर कोई ऐसा गेम हो जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाए या भारतीय जनता पार्टी सत्ता हस्तांतरण पर काम करे, आंकड़ों के तौर पर साफ साफ सीधा तौर पर ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है, लिहाजा जो यूपीए है या फिर जेएमएम है उनके सामने जो प्लान है उन्होंने इसी प्लान पे बातचीत की है, जो बैठक हुई थी यूपीए की, तमाम जो विधायक थे गठबंधन के उन तमाम विधायकों को बुलाया गया, हालांकि 11 विधायक जो हैं उस वक्त उस बैठक में नहीं आए थे, लेकिन उनके अपने अपने कारण बताए गए थे कि कौन विधायक दिल्ली में कांग्रेस का किस वजह से है और किस की तबीयत नासाज है, वो किस अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद से जो प्लान ए और बी, प्लान ये है कि अगर सिर्फ उनकी सदस्यता जाती है तो वो इस्तीफा दें, फिर नेता विधायक दल चुन लिए जाएं, नेता गठबंधन के दल के नेता चुन लिए जाएं, उसके बाद से फिर से उनको शपथ ग्रहण उनकी करा दी जाए और सब कुछ 6 महीने के अंदर फिर से वो कहीं से चुनाव लड़े। ठीक है, प्रतुल सहदेव इस वक्त बीजेपी के नेता वो हमारे साथ मौजूद हैं। सहदेव जी, किस बात के आसार आपको नजर आते हैं, और निशिकांत दुबे आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगस्त पार नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन, क्या आप बताने की कोशिश है? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत ही सशक्त तरीके से इलेक्शन कमीशन में रखा था और बताया था कि इन्होंने माइनिंग मंत्री मुख्यमंत्री रहते खुद के विभाग के माइनिंग पट्टे को लीज में लिया था और गवर्नर ने हमारे कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किया था, इलेक्शन कमीशन ने तमाम दस्तावेजों को मुख्य सचिव से मंगवाया था, ठीक है, और उसके बाद अब फैसला आना बाकी है। तो हम बहुत आशावान हैं कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने सारे तथ्यों को मजबूती से रखा है और हम मानते हैं कि आखंड भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार का जाना तय है। जी, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या किया है हेमंत सोरेन ने जिसकी आप लोगों ने शिकायत की, क्योंकि खनन पट्टा जो खरीदा गया उसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ, उसके बाद आप लोगों ने इस पूरे मामले की कंप्लेंट की और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, और आज इस बात के आसार बन रहे हैं कि हेमंत सोरेन की विधायकी तक रद्द हो सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है। देखिए समीर, आप पूरे अगर सोरेन परिवार को देखें तो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरे परिवार है इनका,
सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके लोकपाल को रिपोर्ट दी थी, तो लोकपाल ने शिबू सोरेन को नोटिस किया कि आय से अधिक संपत्ति पे उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं चले। उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन के पैसे को शेल कंपनियों के जरिए उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद माइनिंग मंत्री रहते अपने विभाग के पट्टे को खुद के नाम लीज पे लिया, तो ऐसा कोई दूसरा उदाहरण पूरे राष्ट्र में नहीं है जब खुद का मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के किसी से खुद को उपकृत करता है। तो मानते ही ओपन एंड शट केस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 19 का उल्लंघन है और हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। हम बहुत आशावान है क्योंकि हमने सारे तथ्यों को मजबूती से पेश किया है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सहदेव जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बात के आसार हेमंत सोरेन को भी हैं ये साफ नजर आता है और इसीलिए प्लान बी सी का जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। तमाम तरह की तैयारी की गई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को सोरेन परिवार अपने पास ही रखे। देखना होगा कि क्या होता है।